नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले प्रशांत किशोर और पवन वर्मा को जेडीयू से बाहर कर दिया गया। पिछले कुछ दिनों से दोनों नेता सीएए के मुद्दे पर पार्टी लाइन से हटकर बयान दे रहे थे। यही नहीं, उन्होंने नीतीश कुमार पर भी हमला किया था, जिसके बाद पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में पवन वर्मा और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरा हुआ व्यक्ति कहना कोई भी पार्टी का अध्यक्ष और कोई पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। ये खबर मिलते ही प्रशांत किशोर ने तुरंत ट्वीट किया और इस फैसले के लिए नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा किया। पवन वर्मा ने भी ट्वीट के जरिए प्रतिक्रिया दी और जेडीयू से निकाले जाने पर ये लिखते हुए खुशी जताई कि अब उन्हें नीतीश कुमार की नीतियों के मुताबिक नहीं चलना पड़ेगा। नीतीश जी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्षता के चलते जदयू ही बीजेपी के का एक हिस्सा बन चुकी है, जिसमें पार्टी की अपनी विचारधारा की कोई अहमियत नहीं रह गई है। एक दिन पहले जेडीयू की मीटिंग के बाद नीतीश कुमार ने जो तेवर दिखाए थे, उससे ये तय माना जा रहा था कि इन दोनों नेताओं का भविष्य अब जेडीयू में नहीं है।